नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर के बारे में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का क्वारंटाइन हुआ खत्म। दुबई के आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यूएई में सितंबर अक्टूबर में होने वाले आईपीएल 2021 के लिए दुबई के एक फाइव स्टार होटल में ठहरी हुई है। टीम अपना क्वारंटाइन अवधि जो है वो पूरा कर लीग की तैयारी में लग चुकी है। दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में कैंप लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स गुरुवार से ही अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद और दिल्ली की टीम भी आईपीएल के लिए यूएई रवाना होने को है तैयार, लेकिन क्या ऋषभ पंत की जगह श्रेयस अय्यर बनेंगे कप्तान? जी हाँ, हम आपको बता दें, आईपीएल 2021 के दूसरे फेज का बिगुल बज गया है और टूर्नामेंट का आगाज 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। इसके लिए सभी टीमें यूएई के लिए रवाना होने लगी हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और पांच बार के चैंपियन रह चुकी मुंबई इंडियंस पहले ही यूएई पहुंच चुकी है। अब सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपनी रवानगी की जो तारीख है वो भी ऐलान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रवि शास्त्री की जगह नहीं लेंगे राहुल द्रविड़, एनसीए क्रिकेट हेड के लिए फिर किया आवेदन। जी हम आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के क्रिकेट प्रमुख के पद के लिए एक बार फिर आवेदन किया है। वे टीम इंडिया का कोच नहीं बनना चाहते हैं। इसकी पुष्टि बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान दी है। और एनसीए क्रिकेट हेड पद के लिए द्रविड़ के आवेदन करते ही अब उनके कोच बनने की अटकेलों पर भी विराम लग गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टी20 वर्ल्ड कप के लिए गौतम गंभीर ने फूका बिगुल, बोले भारत के सामने नहीं टिकता पाकिस्तान। जी हाँ, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि भारतीय टी20 विश्व कप में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की तुलना में अधिक मजबूत टीम के रूप में शुरुआत करेगा, जबकि राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की जो टीम है वो उलटफेर कर सकती है। भारत और पाकिस्तान 24 अक्टूबर को दुबई के स्टेडियम में अपने लीग अभियान की शुरुआत करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अद्भुत लगा कि राहुल द्रविड़ जैसा दिग्गज मेरा अनुसरण कर रहा था, चेतन सकारिया का ये कहना है। जी हम आपको बता दें कि गुजरात के युवा खिलाड़ी चेतन सकारिया आईपीएल 2021 के पहले चरण में अपनी सफलता के बाद से ही सुर्खियों में है। सकारिया की किस्मत तब चमकी जब राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2021 की नीलामी के दौरान 1.2 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा। उन्होंने रॉयल्स के लिए खेला और आईपीएल 2021 के आधे सत्र के दौरान 7 विकेट हासिल किए। इसी बीच चेतन सकारिया को ये लगा कि राहुल द्रविड़ जैसा दिग्गज लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।